जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले अपने 30 मिनट वाले वर्ल्ड में, और उस वर्ल्ड में जाके बनाएंगे एक प्यारा सा अच्छा सा घर। और मैं कुछ दिनों से ऑफलाइन था क्योंकि मेरे 9th के एग्ज़ाम थे, फाइनल एग्ज़ाम थे, तो वो अब ख़त्म हो चुके हैं और मैं अब 10th में जाने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे कॉन्ग्रेट्स करो और चलो चलते अपने 30 मिनट वाले वर्ल्ड में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक जगह ढूंढता हूँ अच्छी सी, एंड वहाँ पे माइन करके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मेरे पास जितने भी ओक लॉक्स थे उनको प्लैंक्स में कन्वर्ट करता हूँ, एंड देन एक ग्रास के ऊपर वुडन की प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं उधर पर एक वॉल बनाता हूँ। वॉल इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर होने वाला था, तो एक तरह से कह सकते हो मैं इधर फर्स्ट फ्लोर बना रहा हूँ। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे पूरा वॉल कंप्लीट करता हूँ एंड मेरे सारे के सारे वुड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं जाता हूँ फिर से ओक के वुड्स तोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही ओक के वुड्स यूज़ किए थे, तो ओक के वुड्स ही तोड़ता हूँ। एंड देन फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करने, क्योंकि जगह थोड़ा सा छोटा लग रहा था। मैं इधर थोड़ी सी बांध भी बनाने वाला हूँ राइट साइड पे, जो कि आप देख सकते हो जगह खाली है, एंड लेफ्ट साइड पे अपना एक एन्चांटिंग रूम होगा छोटा सा, और एक अपना रूम होगा प्यारा सा बनेगा, छोटा बनेगा पर अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद अब वक्त आ चुका था इसको फिल करने के लिए। तो मैं पार्कोर करके नीचे जाना चाहता था पर पार्कोर हुआ नहीं, और बैकग्राउंड से साउंड आ रही होगी तो माफ़ कर देना। तो फिर मेरे पास स्टोन थे जो मैंने मेल्ट किए थे, तो उसको स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे पीछे की वॉल, घर के पीछे साइड की वॉल को फिल करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो इन वॉल को फिल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। तो फिर यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ भी लगा देता हूँ स्टोन का ही, क्योंकि वुड में ये स्टोन मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर से बताना। और हाँ, मेरे बैकग्राउंड से हो सकता है आपको कुछ नॉइज़ आए, तो माँ इग्नोर करो यार, छोड़ो उसको, नॉइज़ी है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का जो बेस था वो बना देता हूँ, मतलब छत रूफ टॉप की थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक गेट बनाता हूँ जो कि दो ब्लॉक छोड़ के बना रहा था, ताकि देखने में भी घर थोड़ा सा अच्छा लगे। और हाँ, मैं बोल रहा हूँ इंटीरियर इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी थी। आप लोगों को यहाँ पे 5 मिनट का ही दिख रहा होगा, पर ये वीडियो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लंबी थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपना पूरा का पूरा इंटीरियर और रूफ़ का एक साइड का कंप्लीट करता हूँ जो कि लेफ़्ट साइड का होता है, और एक गेट बना देता हूँ और चला जाता हूँ अपना सोने के लिए। तो सोने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऊपर के सेकेंड फ्लोर को, और मेरे बेस के जो लिविंग रूम थी उसको कंप्लीट करने के लिए। और गेट कुछ मैं इस तरह का लगा रहा हूँ, दो स्टेयर्स है एंड यहाँ पे ब्रिज के डोर से, ब्रिज का डोर इसीलिए क्योंकि शायद इसमें अच्छा लगता हो। यहाँ मेरे घर के आसपास जंगल बायोम भी है, तो मैं जंगल के भी डोर देखूँगा कि उस वुड के डोर कैसे होते हैं, तो वो भी ट्राई करेंगे आगे जाके। तो अभी तो टाइम नहीं था उतना, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी सेकेंड फ्लोर का फ्लोरिंग भी कर देता हूँ, अदर सेकेंड फ्लोर का जो मेरे लिविंग रूम था उसका फ्लोरिंग कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे विंडो के, मतलब ग्लास के प्लांट्स लगा देता हूँ अच्छे से, जो कि एक मुझे ट्रांसपेरेंट ग्लास थे होते ही है, मतलब माइनक्राफ्ट में, तो ये दोनों साइड देखने का भी काम करते हैं, अंदर क्या हो रहा है बाहर काम हो क्या हो रहा है। और मेरे फूड्स भी बार बार ख़त्म हो रहे थे। और एक और बात कि ये वीडियो बनाने में मुझे 5 से 6 दिन लग गए, तो मुझे टाइम निकालना पड़ रहा था उसके लिए बार बार एग्ज़ाम के बीच में से, तो वो सब छोड़ो बीच में, ठीक है। तो यहाँ मैं अंदर का तो पूरा लेफ्ट साइड का कंप्लीट कर चुका था, बस रूफटॉप बाकी था। एंड यहाँ पे मैं अपने रूम का इंटीरियर और जो घर का थोड़ा मोटा इंटीरियर है उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अगर आप लोग मुझे कुछ हिंट विंट या फिर टिप देना चाहे कि मैं कौन सा ब्रिक या फिर वुड इसमें यूज कर सकता हूँ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और ये मेरे छोटे से बार्न जिसमें मैं काऊ और वुल को पालूंगा इस साइड पे, राइट साइड पे नीचे मेरे घर के, तो
तो वो कैसा लगा आप लोगों को बता देना। ये आइडिया मेरा अपना ही है, और फिर ये मेरा रूम है, ठीक है, अपना बहुत बड़ा रूम नहीं है, यहाँ पे मेरे 10 से 12 चेस्ट अट जाएंगे, और फिर जो मैं चाहूँ वो अट जाऊँगा, मतलब जो भी मैं चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी वीडियो को मैंने स्पीड कर दिया है ताकि आप लोग यहाँ पे आराम से देखो और आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो। तो चलो मिलते हैं आप, तब तक थोड़ा हमारा ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि छोटा सा ही है, तो चलो इसको ख़त्म ही कर देते हैं, मतलब अपना रूफ टॉप पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे अपना पूरा रूफ टॉप कम्प्लीट हो चुका है, और इसी के साथ साथ वीडियो भी कम्प्लीट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कुछ हेल्प चाहिए, और मेरे पास यहाँ पे जंगल बायोम ब्रिज का और नॉर्मल ओक का बायोम है मेरे घर के आसपास, तो वहाँ से मैं वुड ला सकता हूँ अच्छा सा। तो अगर आप लोग कुछ चाहे टिप विप देना तो प्लीज़ से कमेंट में बता देना, क्योंकि ये वर्ल्ड में आगे जाके हो सकता है पब्लिक करूँ, एक है सर्वे बनाऊँ, तो जल्दी से बता दो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।